गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी समय का 10 बज रहा है और मिस्त्री लोग आ गए हैं, गाड़ी का भी काम हो रहा है सब लगभग शाम तक, तो उम्मीद है होगा कंप्लीट काम। तो लगभग में कल तो खुला था तो लग रहा था कम नुकसान है, लेकिन आज खुला तो अंदर का भी कुछ सामान और भी ज़्यादा ख़राब है, तो सबको चेंज करना पड़ेगा। फिर भी उम्मीद है कि हो जाना चाहिए आज शाम तक। इसमें भी कुछ सामान खराब है। चलिए, इसमें हम लोग का तो कुछ काम है नहीं, तो अपना आप नाश्ता वास्ता करके रेडी हो जाते हैं इधर। उसके बाद थोड़ा देर बाद खाना पीना बनाने के लिए भी हाथ लगाएंगे, लगभग 12 बजे आज खाना बनाएंगे। कल परेशान हो गए थे उधर, इसलिए खाना नहीं बना था, आज खाना बनेगा गाड़ी में ही। दोस्तों आज यही हम लोग का नाश्ता में है, चना है और घर से जो मिठाई आया है वही सब है और बीट है। चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे मिस्त्री लोग कितना देर में काम कर रहे हैं अभी, और दोपहर में फिर खाना पीना बनाएंगे हम लोग। दोस्तों सामान हमारा सब गाड़ी का खुल गया है, यही देखिए ख़राब है, यही टूट गया है, इसका टेलपिनियन है ये। अब ये टूटा है तो इसके वजह से इसको भी पूरा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेट में एक ही साथ आता है, अलग अलग नहीं आता है। अगर उसको चेंज कर देंगे और इसको चेंज नहीं करेंगे तो फिर सेट नहीं होता है। ये भी हल्का हल्का खा गया है ये सब, और इसमें भी कुछ सामान ख़राब है। इसमें ये वाला सामान ख़राब है, ये देखिए इसमें भी टूटा है थोड़ा थोड़ा, ये सब भी चेंज होगा। ये सब का भी पूरा सेट आता है, ये भी घिस गया है, ये सब अभी चेंज होगा। सब वारंटी में है, गाड़ी नया है इसलिए कुछ इसमें कुछ पैसा वैसा नहीं लगना है। ऑयल भी शायद चेंज होगा। ऑयल चेंज नहीं करना है, प्रेशर पे दे होकर क्या बोलते हैं मीटर ठीक है। दोस्तों भी गाड़ी में हमारे इतना सारा सामान ख़राब है, ये चेंज होगा ये, और ये बाइबल का भी सेट चेंज होगा पूरा। ये बाइबल का सेट का कीमत है अभी यहाँ इसमें 18,280, और ये जो ये टेलपिनियन और थाली का कीमत देखिए कितना ज़्यादा है इसमें। ये इसका डब्बा, ₹49,680, यानी कि लगभग ₹70,000। और वो क्राउन ऑयल भी चेंज होगा, बाकी काम वाम का लगभग मतलब 80,000 के आसपास इसमें खर्चा आएगा टोटल। लेकिन फ़ायदा ये है गाड़ी वारंटी में कोई चीज़ का पैसा नहीं रहेगा, बस वही ऑयल चेंज होगा उसका पैसा लगेगा। पहले
दोस्तों समय का भी 2 बजने वाला है और मिस्त्री लोग का अब लंच हो गया है, तो हम लोग भी इधर अपना खाना पीना सब बना लेते हैं। लाल भाजी बन रहा है, छत्तीसगढ़ में लाल भाजी बोलते हैं इसको। चलिए हमारा लाल गिनहारी का साग बन के रेडी हो गया है। चलिए दोस्तों हमारा खाना पीना बन गया है, अब खा पी के यहीं पे थोड़ा आराम करेंगे। फिर अभी मिस्त्री लोग भी नहीं आया है, आएगा तो साथ में देख के लग भिड़ के काम करवाएंगे। अभी वो जो सर्विस सेंटर जिनका है उनके मालिक भी आए थे, अभी मिस्त्री लोग के बोल के गए हैं कि छोटे उस्ताद का गाड़ी शाम तक रेडी करके दे देना। तो मिस्त्री लोग बोला है कि आज कैसे भी करके रेडी कर देंगे गाड़ी को, और अच्छा आज काम हो जाएगा तो कल का ट्रिप अपना बच जाएगा, नहीं तो अगर कल फिर से अगर बजा देगा तो समझिए कल भी दिन भर ख़त्म हो जाएगा। चलिए खाना पीना खा के थोड़ा देर हम लोग आराम करते हैं यहीं पर। दोस्तों फिर से देख सकते हैं कितना ज़्यादा इधर बारिश होने से चालू हो गया है, इधर पूरा सामान सब भीग गया। लगता है कि किस्मत ही ख़राब आज हो पाएगा कि नहीं वो भी कोई कंफर्म नहीं है। अभी तो इधर से मिस्त्री लोग सब सामान को उधर लेके गए हैं। कैसे भाई हो पाएगा आज की कैसे आए हो जाएगा ना, कर दो भाई कैसे भी यार आज नहीं करता छूटा। और बाकी लोग ले नहीं आए क्या मिस्त्री लोग? हाँ हो जाएगा। दोस्तों अभी समय का 6 बज रहा है और बारिश तो रुकने का इधर नाम ही नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी चलिए हमारा गाड़ी का सामान बन के रेडी हो गया है। अब बस इसको गाड़ी में लगाना बचा है तो हो जाएगा आज हमारा काम, 1-1.5 घंटा और रहेगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कब तक हमारा सामान अभी फिट होता है, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और जाके अपना ट्रॉली को जोड़ेंगे वहाँ। दोस्तों रात का भी 8:30 बज रहा है और अभी जा करके हमारा गाड़ी का टोटल काम ख़त्म हो गया है और आ गए हैं अपने भैया के ईटा प्लांट में, ही अपना ट्रॉली है इसको जोड़ेंगे अब। तो उससे पहले अभी गाड़ी में हाइड्रोलिक ऑयल कम है, यूरिया वगैरह सब कुछ लगेगा अभी, तो सब ओके कर लेते हैं। उसके बाद ट्रॉली को जोड़ करके पूछ लेंगे कहाँ जाना है, उसके बाद खाना पीना खा करके सोएंगे हम लोग। दोस्तों अभी रात का 9:30 बज गया है, अभी जा करके हमारा सारा काम ख़त्म हो गया, डाला वाला सब जुट गया है गाड़ी का। तो अभी फ्लाइएस में जाने का प्रोग्राम बना था, लेकिन अभी लेलुंगा का गिट्टी का ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर है उधर का, तो भैया बोले कि गुड़ेली चल दो और वहाँ से गिट्टी लोड कर लो। तो अभी हम लोग का खाना पीना भी नहीं हुआ है और पापा लोड लेकर के आ रहे हैं, तो रास्ते में हम रुक जाएंगे और चावल बनाएंगे, फिर पापा आएंगे तो सब्ज़ी बना के खाना दोनों लोग खा लेंगे। उसके बाद मैं लोडिंग में जाऊँगा और पापा का भी वहीं का लोड है, मैं भी रात में जा करके देखता हूँ, अगर गिट्टी मिल गया तो लोड लेकर के पापा के साथ में हो जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं रास्ते में, वहीं कोड़ा तराई के आगे में सबसे पहले चावल बना के हम रेडी रखते हैं। दोस्तों हम लोग के यहाँ चावल बन रहा है और पापा भी उधर आ गए हैं, अच्छा हुआ कि पापा आ गए। देखिए मेरा गैस अब ख़त्म हो गया, थोड़ा थोड़ा जल रहा है बस, तो अब गैस भी लाना पड़ेगा उनके गाड़ी से। चलिए ले कर आते हैं गैस, उसके बाद खाना पीना बनाएँगे। दोस्तों अभी समय का 11 बजने वाला है और हमारा देख सकते हैं खाना लगभग में बन ही गया है, तो अब चलिए खाना शुरू करेंगे, लगभग 10 मिनट और रहेगा इसको बनने में। चलिए दोस्तों अब रात का 11:30 बजने वाला है और खाना पीना सब कुछ हमारा हो चुका है और पापा चले भी गए और रायगढ़ में जा करके सोएंगे और मैं जाऊंगा अभी लोडिंग करने के लिए। तो गाड़ी को अभी रात में ही लोड करना है, अगर गिट्टी मिल गया तो अभी लोड करेंगे, मेरे को लगभग 2 बजे ही जाना है लोड वोड करके ऑफिस तक आते तक। अगर माल मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑफिस पे ही सोएंगे, अगर जब माल मिलेगा फिर लोडिंग में जाएंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं और कल से फिर आप लोग मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, और जैसे ही आप लोग भाई लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए,
और आप सभी का दिल से धन्यवाद इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं कल से फिर एक न्यू ब्लॉग में। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद।